नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमला किया, उसके बाद इसराइल दहल उठा। लेकिन ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसराइल पर अटैक होता है और ये अटैक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 320 रॉकेट के साथ हिजबुल्ला अटैक करता है। इसके बाद आपको बता दें, नेतन्याहू की एकदम जो क्या वॉर कैबिनेट बैठक है वो शुरू हो जाती है, ताकि अगली रणनीति बनाई जा सके। उस रणनीति के तहत हिजबुल्ला का मुंहतोड़ सामना किया जा सके। लेकिन आपको बता दें, जब 320 रॉकेट से अटैक हुआ था, तब इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किए थे काफी रॉकेट। और हिजबुल्ला, आपको बता दें, हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल को निशाने पर लिया था, जिसके बाद कई जगह आग के गोले भी देखे गए थे। तस्वीरें आप देखिए, 320 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। लेकिन आयरन डोम की हम बात करें, इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करें, तो उन्होंने कई रॉकेट्स को नाकाम भी किया। इसके बाद सहमा हुआ है इसराइल। देखिए, आखिरी चेतावनी यहाँ पर दी गई है और लगातार स्ट्राइक की वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो जारी की जा रही हैं। ये तस्वीरें देखिएगा, ये मार्क करके भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है, बमबारी हो रही है और हमले की खबरें सामने भी आ रही हैं। तो स्ट्राइक लगातार जारी है, ये जो जंग है वो लगातार छिड़ी हुई है और अटैक भी किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कैसे लगातार बमबारी हो रही है, कैसे वहां पर जंग छिड़ी हुई है। और ये तस्वीरें जारी की है खुद इसराइल ने और लगातार यहाँ पर हमले भी किए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इसराइल पर हिजबुल्ला स्ट्राइक, क्योंकि लगातार एक्टिव है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से ही बमबारी की जा रही है और आखिरी चेतावनी हिजबुल्ला को इसके बाद इसराइल ने दे दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से भीषण धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए, इसी बीच आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं, भीषण हमला हुआ, हिजबुल्ला दहला, लेकिन उसके बाद बैठकें शुरू हुई इसराइल की तरफ से, ताकि ठोस रणनीति बनाई जा सके। इसराइली बेस पर अटैक होता है, कैसे अटैक किया जाता है, देखिए, इसराइल पर यहां पर अटैक होने के बाद मेरोन बेस और नभे जिब बैरक पर यह हमला होता है। उसके बाद आपको बता दें, सब कुछ उत्तरी इसराइल में आता है, जातून बेस और जोरा बैरक पर यह हमला किया जाता है। इसराइल बेस पर कैसे अटैक किया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। अल सहल बेस और इसके बाद केइला बैरक पर यह हमला हुआ। आपको इसराइल और लेबनान के बीच की हम दूरी दिखा रहे हैं, कैसे वहां से आते हैं पूरे रॉकेट। और ये हिजबुल्ला जो है, हिजबुल्ला एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 320 रॉकेट देखे यूएफ बैरक पर, और उसके बाद नफा बेस पर भी हमला किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए गार्डन बेस, और उसके बाद ये देखिए एन जोतिम बेस भी पूरे से टारगेट में लिया गया। रामोट नफ्ताली बैरक को भी निशाने पर लिया गया, यानी कि आप देखिए कितना जबरदस्त, कितना अच्छा इन्होंने टारगेट किया था, पहले से रणनीति बनाई थी, पूरा एरिया कवर किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, हिजबुल्ला का हमला होता है, एक्टिव आयरन डोम, टेंशन में आ जाते हैं नेतन्याहू, इसराइल पर अटैक होता है, एयरपोर्ट पर भी दहशत का माहौल बन जाता है। लेकिन हमने तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया कि कौन कौन सा एरिया जहां पर हिजबुल्ला ने अटैक किया, वो सब कुछ उसकी चपेट में आता है। ऐसे में भारी नुकसान की बहुत ज्यादा आशंका व्यक्त नहीं की गई है, क्योंकि आयरन डोम एक्टिव हो गया था, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया था, जिसने उस रॉकेट को नाकाम किया। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप अलग अलग देख रहे हैं, जहां हिजबुल्ला पर हमला बोला गया है, स्ट्राइक लगातार जारी है और एक चेतावनी भी दे दी गई है। भीषण हमले लगातार किए जा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए फिर बजा है महायुद्ध का सायरन, ये लगातार हम बता रहे हैं कैसे। और देखिए यहाँ पर इसराइल पर फिर से अटैक होता है, हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमला किया, 320 रॉकेट से ये हमला किया गया, पहले से रणनीति तैयार थी, साजिश के तहत हमला होता है। हालांकि पिछले कई दिनों से हमला हम देख रहे हैं, लेकिन इजिप्ट में मध्यस्थता से पहले इसराइल पर ये अटैक किया जाता है, जिसके बाद इसराइल एकदम अलर्ट मोड पर आ चुका है, आराम से बैठ नहीं सकते हैं। 11 इसराइली सैन्य ठिकानों को निशाना भी बनाया, इसराइली सेना ने भी पलटवार किया। 320 रॉकेट के बाद इसराइली सेना ने पलटवार करते हुए देखे, आयरन डोम ने हिजबुल्ला के रॉकेट नष्ट कर दिए, कामयाबी हिजबुल्ला को यहां पर नहीं मिली है। हमले के बाद इजरायली पीएम यानी नेतन्याहू ने बैठक बुलाई, वॉर कैबिनेट के साथ नेतन्याहू ने बैठक की, बैठक में रणनीति पर बात हुई। लेकिन आपको बता दें, अकेला हिजबुल्ला इजरायल का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, अगर हिजबुल्ला का साथ आपको बता दें, अगर बाकी और ईरान देता है, इसके अलावा हूती देता है, ये सब मिलकर ही कुछ अगर अटैक करते हैं, तब जाकर इजरायल पर कुछ संकट के बादल मंडरा सकते हैं।
बिल्कुल संकट के बादल मंडरा सकते हैं, साथ ही मिडिल ईस्ट में जिस वॉर की बात कही जा रही है वो छिड़ सकता है, और ऐसा ना हो उसे रोकने के लिए भी अलग अलग तमाम बयान और देशों की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। कई नाटो देश भी सामने आ चुके हैं। एक तरफ वो आपको तस्वीरें दिखाई जहां इसराइल पर फिर से अटैक हुआ, तो हिजबुल्ला को भी इसराइल ने साफ चेतावनी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। क्या मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हो गई है? क्या हिजबुल्ला ने हमास का साथ देते हुए गाजा का बदला लेना शुरू कर दिया है? क्या लेबनान ने तैयार कर ली है इजराइल की तबाही की स्क्रिप्ट? क्या हिजबुल्ला ले रहा है अपने कमांडर की मौत का बदला? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ हिजबुल्ला के आतंकी इसराइल पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसराइल भी हिजबुल्ला पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेबनान से सटे इसराइल के आसमान रॉकेट और मिसाइल से फटे नजर आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं, तो इलाके में लगातार सायरन की आवाजें सुनवाई दे रही है। मध्य पूर्व का महायुद्ध भीषण होता नजर आ रहा है। इसराइल हमास के खात्मे पर काम कर रहा है, तो उसे बचाने में लगा हिजबुल्ला अब नेतन्याहू के मुल्क पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्ला ने इसराइल पर बड़ी संख्या में ड्रोन और रॉकेट दागे, उत्तरी इसराइल के शहरों को टारगेट किया। एक प्रेमी रिहायशी बस्ती पर रॉकेट और मिसाइल दागे जिससे घरों को नुकसान पहुंचा, तो वहीं मनोट कस्बे में एक मुर्गी घर पर अटैक किया गया जिसमें पोल्ट्री फार्म को नुकसान पहुंचाया गया, साथ ही कई मुर्गियां राख हो गई। माना जा रहा है कि हिजबुल्ला बेरूत में अपने कमांडर की हत्या का बदला ले रहा है और इसीलिए इसराइल पर रॉकेट डाल रहा है, लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने आसमान में आयरन डोम की मदद से हिजबुल्ला के रॉकेट को मार गिराया। צפון הארץ ומסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, אין בהגנה. כוונו לצפון הארץ ומסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, אין בהגנה. हिजबुल्ला के अटैक के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईडीएफ यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर में अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें हिजबुल्ला के खिलाफ रणनीति तैयार की गई है। בוקר טוב. בשעה האחרונה זיהינו היערכות נרחבת של חיזבאללה לירות לעבר עורף מדינת ישראל. לאחר הזיהוי הנרחב, חיל האוויר ופיקוד הצפון החלו לתקוף באופן יזום ורחב מטרות חיזבאללה להסרת איומים שכוונו לעבר אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מסירים איומים על העורף הישראלי. इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हिजबुल्ला दोबारा इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था और इजराइल की कार्रवाई उसी का जवाब है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला इजराइल पर लगभग 1000 रॉकेट दागने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं हिजबुल्ला के मुताबिक उसने पहले चरण में उत्तरी इजराइल में सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, 11 सैन्य ठिकानों पर 320 रॉकेट दागे। इजरायली सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्ला ने इजराइल पर सुबह 5 बजे हमले की योजना बनाई थी। वो हमला करता उससे पहले आईटीएफ ने सुबह 4:45 बजे हमला किया और उसको रोक दिया। אנחנו נעדכן באופן מיידי על כל שינוי בהנחיות. ההגנה לא הרמטית, ואתם נדרשים להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף, אלה הנחיות מצילות חיים. תמשיכו להתנהל באחריות כפי שהתנהלתם עד כה. בהישמע התראה, ייכנסו למרחב המוגן למשך 10 דקות. ישראל כפלטבר שהיג'בולה בוכלה גאה היא. עושה ישראל כחילב דוברה כערוואי כשירועת כגושנה קרתה וכהה, कि अगर इजराइल नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है तो हमारी प्रतिक्रिया बहुत कठोर होगी। हिजबुल्ला भले कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब ठान लिया है कि जैसे वो हमास के खात्मे के लिए जंग लड़ रहा है, वैसे हिजबुल्ला का भी नामो निशान मिटाकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।